हे गाइस, हाय, मैं अंकिता एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। और आज हम एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि अब हम ट्राई करेंगे कि समर से रिलेटेड कपड़ों का ज्यादा हम प्रोडक्ट रिव्यू करें, स्टाइल सेशन करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है कि अंकिता यू नो कॉटन के या यू नो रेयन के सूट्स हो चाहे, बट स्लीवलेस हो और कुछ वन पीस ड्रेसेस हो जिन्हें वे समर में पहन पाए। तो अब हम समर से रिलेटेड कपड़ों की ही ज्यादा यू नो जो डिमांड में है उसी का प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। तो मेरे पास ज्यादातर हैम्पर में उसी में अप्रूवल दे रही हूँ जिनका मैं समर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिव्यू करवा पाऊँ। तो गाइज, आज जो मैं ड्रेस आपके सामने यू नो शो करने वाली हूँ वो एक क्वाड सेट है। इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड का ऑलरेडी कैटलॉग मेरा किया हुआ है, आज इन्होंने एक नया शेड लॉन्च किया है तो उसका मेरे पास प्रोडक्ट आया है। कलर बहुत प्यारा है और समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वर्क क्वालिटी फिनिशिंग एवरीथिंग इज जस्ट वाओ। और ऑर्डर के रिगार्डिंग यू कैन पिंग मी, अदर शेड के रिगार्डिंग यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड एनीवेयर। तो गाइज, सबसे पहले तो एज ऑलवेज मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूँ। ये ना एक्चुअली कलर इससे जितना आपको इस वीडियो में दिख रहा है इससे स्लाइटली ब्राइट है, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट की वजह से वीडियो में कम हो जाता है, बट मैं कैटलॉग में डिट्टो शेड लेके आती हूँ और उसमें आपको डाउट होगा नहीं। ये एक्चुअली इस तरह का शेड है, थोड़ा सा डार्क बट आ रहा है लाइट। तो ये हो गया पैंट। पैंट में आप देख सकते हैं बॉटम में यू नो नीचे वाले पार्ट में आप इस तरह से ये गोटा का डिटेलिंग करा हुआ है और सिंपल सा पैंट है। ये देखिए आप, रेयन इज द फैब्रिक। और अगर अब हम बात करते हैं कुर्ती की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्ट्रिप वाली कुर्ती है। स्ट्रिप में एडजस्टेबल यू नो क्लिप्स दिए हुए हैं तो आप इजी गो में एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें नेक पे ना ये सिल्वर कलर के थ्रेड से इस तरह से प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी बेल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है पहनने पे। साइड में अगेन गोटा डिटेलिंग है इस तरह से और इस तरह का सिंपल सा सूट है और ये इतना प्यारा लगता है, बिलीव मी ये कलर भी बहुत प्यारा है। तो अब हम पहन के देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये व्यू देख लें, स्टाइल सेशन अभी हम मिलके करने वाले हैं। मैं आपको सिंपली ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसी इसकी फिटिंग आई है। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लूज कपड़े पसंद है, मुझे फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप जो भी साइज पहनते हैं उससे एक साइज आप ऑर्डर करें अकॉर्डिंग टू फिटिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लाइट शेड फैब्रिक इज जस्ट वाओ, बट लाइट शेड हमेशा स्लाइटली ट्रांसपेरेंट फील होता है। और ये आप कभी भी कोई भी ड्रेस ऑर्डर करें तो ये अपने माइंड में जरूर रखा कीजिए, क्योंकि लाइट शेड स्लाइटली आपको ट्रांसी फील कराता ही है। और ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। स्ट्रिप में क्लिप्स होने से बहुत ही ईजी हो जाता है कि आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर अपने शोल्डर्स की ब्रॉडनेस के अकॉर्डिंग उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। और आई लाइक दिस प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कैटलॉग में इसका ग्रीन कलर और ज्यादा क्लियर होके आएगा। तो कैटलॉग का ऑफ कोर्स आप वेट कीजिए जब तक हम स्टाइल सेशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल सेशन में हमारे हेयर को पैक कर लेते हैं। हेयर को पैक करने के लिए या तो आप बन बना लें टॉप पे या फिर आप पोनी बना लें। आज हम पोनी बनाते हैं क्योंकि जब आप स्लीवलेस कोई चीज वेयर करते हैं तो आपके हेयर पैक होंगे ना, तो आपने जो भी वेयर किया होगा वो हाईलाइट होगा। तो मैं एक मैसी सी पोनी बना ली, मुझे बहुत ज्यादा फिनिश वाले हेयर स्टाइल कम पसंद आते हैं, थोड़ा सा मैसी सा लुक मुझे पसंद आता है हमेशा। और क्योंकि यहाँ पे सिल्वर कलर के थ्रेड से ही एम्ब्रॉयडरी वो बेल करी हुई है तो आई जस्ट लव कि हम इसके साथ कुछ ऑक्सीडाइज पहने और वो बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स मैं